तो भाई अभिजीत कैसे हो? भाई फिलहाल तो नींद में हूँ। कल रात भर सोया था, फिर भी नींद आ रही है। जब पढ़ने बैठता हूँ तब कुछ समझ में नहीं आता है। अगर गलती से कुछ समझ में भी आ गया तो उस एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाता हूँ। अप्लाई कर भी दिया तो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जो टॉपिक पहले मुझे पसंद थे भाई, अब वो टॉपिक में मेरा मन नहीं लग रहा है, उसे पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। साथ ही में अगर कोई टॉपिक पढ़ने भी लग जाऊँ, अगर उससे उसके क्वेश्चंस मुझसे ना बने तो मुझे गुस्सा आने लगता है। मैं इरिटेटेड फील करता हूँ भाई। और साथ ही में अब तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट भी करने लगा हूँ कि आज का टॉपिक कल, कल का टॉपिक परसों। और हेडेक और स्ट्रेस तो मानो जैसे मेरे भाई बन चुके हो। बस यही जिंदगी है। तो देखा आपने, जो अभिजीत के साथ हो रहा है उसे बर्नआउट कहते हैं। अगर ये सब आपके साथ भी हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम बर्नआउट के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो जानकर आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि बर्नआउट होता क्या है। तो बर्नआउट कैन बी टर्म दैट इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एग्जॉशन कॉज ड्यू टू ओवरवेलम्ड स्ट्रेस। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, जब आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो तब आपको बर्नआउट होता है। बर्नआउट मतलब आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो आप उसे ऐसा समझ सकते हो कि जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, जिससे आप स्ट्रेस्ड होते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो और आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। इस चीज़ को आप बर्नआउट कह सकते हो। तो आज के इस वीडियो में वही जानेंगे कि आपको अपने बर्नआउट को ख़त्म कैसे करना है, आपको अपनी मेहनत का फल पाना कैसे है, मतलब आप जो मेहनत कर रहे हो उसे वेस्ट नहीं होने देना है। तो चलिए फिर देखते अब इसके बारे में। तो पहले तो इसे देख लीजिए, आप पढ़ रहे हो तो जनरली बच्चे करते क्या है, जब बच्चे पढ़ने लगते हैं वो 2, 3, 4 या 5 घंटा नॉनस्टॉप पढ़ते हैं। आपको ये चीज़ नहीं करना है। आपको एक टाइम टेबल बनाना है। एक छोटा सा टाइम टेबल क्यों ना हो, एक छोटा सा टाइम टेबल बना लीजिए। आप 1 या 1.5 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, 1.5 घंटा पढ़ लिया फिर 15-20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर 1-1.5 घंटा पढ़िए फिर 15-20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इससे होगा क्या, आपका स्टडी का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, आपके माइंड पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, जो आप पढ़ रहे हो उसे आप ज़्यादा रिटेन कर पाओगे। क्योंकि आपको भी पता है अगर आप 5 घंटा नॉनस्टॉप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, अगर ज़्यादा स्ट्रेस आएगा तो ज़्यादा रिटेन चीज़ें होगी नहीं। ये तो अगर टाइम टेबल के बारे में। तो दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अब एक्सरसाइज मतलब क्या, कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जिम जाइए, बट मैं कह रहा हूँ कि दिन का 1/2 घंटा से 45 मिनट रोज कुछ ना कुछ तो फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। जैसे कि आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट्स आप खेल सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप फुटबॉल खेल सकते हो, आप क्रिकेट खेल सकते हो। ज़्यादा नहीं खेलना है बट दिन का 1/2 घंटा से 45 मिनट्स आप अपने स्पोर्ट्स में दीजिए, जिससे आपको ज़्यादा स्ट्रेस आएगा नहीं, जिससे आपकी बॉडी का कंडीशन या आपका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। अगर आपको थोड़ा स्ट्रेस भी आ रहा है तो आप उस स्ट्रेस को इंड्यूर कर सकते हो। उसके बाद ये तो हो गया फिजिकल स्ट्रेस को ख़त्म कैसे करना है। आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस यहाँ आ रहा है, इस स्ट्रेस को आप कैसे ख़त्म करोगे। तो इस स्ट्रेस को ख़त्म करने का सबसे बेस्ट टेक्निक जो मैं अपने टाइम पे भी फॉलो किया करता था, और वो है आपको दिन का 10 से 15 मिनट रोज़ मेडिटेशन करना है। अब ये मेडिटेशन आप करोगे कब, डिपेंड्स ऑन यू। कि आप सवेरे जल्दी उठते हो तो सवेरे मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर जब आपने अपना एक्सरसाइज ख़त्म कर लिया ये 45 मिनट से 1/2 घंटे का, जब आप घर में आ गए, घर में आने के बाद 10 से 15 मिनट मेडिटेशन कीजिएगा। जिससे होगा क्या, ये जो आपका मेंटल स्ट्रेस है, ये आपका मेंटल स्ट्रेस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। बहुत से बच्चे इतने स्ट्रेस में होते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती है, या फिर कुछ कुछ बच्चों का स्ट्रेस इतना हाई हो जाता है कि वो दिन भर सोता है। तो आपको ये चीज़ भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको दिन का एक स्लीप शेड्यूल भी बनाना है कि भाई मैं दिन में 15 घंटे नहीं सोऊंगा और मैं दिन में 3 घंटे नहीं सोऊंगा। आपको एक फिक्स स्लीप शेड्यूल रखना है, जैसे कि आपको 7 से 8 घंटे सोना है दिन का रोज़। 4 या 5 घंटा सोने से आपको फिर स्ट्रेस आएगा, अगर ज़्यादा सोओगे तो आपको फिर दिन भर स्लीपीनेस लगेगा, आपका कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। तो अपने स्लीप को मेंटेन कीजिएगा, जितना ज़रूरी है उतना ही सोइएगा। और एक गलती जो बच्चा करता है जनरली, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो या कोई और फील्ड का या किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा हो, वो बच्चा करता क्या है, इस किताब से 2-3 कंसेप्ट पढ़ेगा, इस किताब से 2-3 कंसेप्ट पढ़ेगा, और फिर हो क्या जाएगा, जो बच्चा है वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि इसका कंसेप्ट सही है या इसका कंसेप्ट सही है, इससे भी आंसर आ रहा है और इससे भी आंसर आ रहा है, और लास्ट में होता क्या है, 2 कंसेप्ट में कन्फ्यूज़ हो गया। अब दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रेस और बढ़ गया कि भाई कौन सा कंसेप्ट सही है, 4 किताबें पढ़ रहे हो
तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। जब भी आप अपने नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको किसी एक या दो किताबों को स्टिक करना है। आईएलटीएस की दो से ज़्यादा किताबों को स्टिक मत कीजिएगा, जिससे होता है कि आप ज़्यादा किताबों से पढ़ेंगे तो आपको ही स्ट्रेस आएगा। एट लास्ट आपका काम क्या है, आपका काम स्कोर लाना है, तो दो किताबें पढ़ के भी तो स्कोर आएगा मेरे भाई। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपको ज़्यादा दो से ज़्यादा किताबों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको लिमिटेड किताबें पढ़ना है। बाकी ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए, बाकी जो बर्नआउट का स्टेज है वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ को कैसे जी रहे हो, आपका लाइफ कितना स्ट्रेसफुल है, आप कितना पढ़ते हो, आपका स्लीप शेड्यूल क्या है, आपका ईटिंग हैबिट्स क्या है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। अगर आपने इन सभी चीज़ों को सुधार लिया, एक अच्छा वाला टाइम टेबल बना लिया ना, तो मेरे हिसाब से आपको बर्नआउट नहीं होगा। अगर आपको जानना है कि एक अच्छा टाइम टेबल क्या होता है, तो मेरे इस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि एक टाइम टेबल होता क्या है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।